देखिए नाथीबाई जो एक बहुत ही समाज से भी महिला थी, बचपन में बाल विधवा हो गई लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। जो भी व्यक्ति आता था उसकी वो सेवा करती थी, उससे जो होता था अनाज रुपया पैसा सामग्री जो होता था बिना हिसाब के वो दे देती थी, वापस दे उसका भला न दे उसका भी भला। अगर कोई पैसे भी ले गया तो गिन के नहीं दिए, बता दिया वहां से ले लो, वापस दिया तो गिन के नहीं लिया कि वहां वापस दे दो। ऐसी एक संप्रांत महिला थी। ये एक लोकोक्ति है जिसमें यह है कि कोई हिसाब जहां नहीं रखा जाता, उदारता की एक प्रतिमा थी। मैंने मेरे घर पे आए हुए टीचर्स को यह कहा था कि यहां पर आपको 1,00,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है, आप बिना छुट्टी विद्यालय के समय यहां क्यों आए? कोई गलत बात नहीं थी, शिक्षा मंत्री था तो मेरा दायित्व उन टीचर्स के साथ साथ उन बच्चों को पढ़ाने का भी था। और मैं आपसे भी अपील करता हूं, मीडिया चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप बताइए कि आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां का टीचर अगर बिना छुट्टी लिए बेवजह स्कूल समय में स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसको इनाम मिलना चाहिए या उलाना मिलना चाहिए? आप स्वयं उत्तर खोज लीजिए। दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।